होना चाहिए ये अपने चलो इस गलती को जरा साइड रखें। नवीन ओलक ये फुल स्क्रीन नवीन ओलक की पोस्ट चाहिए, फुल स्क्रीन कर दो अपन इसको। इसके नीचे गौतम गंभीर ने कमेंट भी किया है, अब जरा सब पढ़िए, दर्शकों को समझाइए भाई, थोड़ा बड़ा कर दे आप, यहाँ देख लो दर्शक क्लियर देख पाए। इस पे देख मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ मेरे भाई। नवीन ओलक लिख रहे हैं, ट्रीट पीपल द वे यू वॉन्ट टू बी ट्रीटेड, टॉक टू द पीपल द वे यू वॉन्ट टू बी टॉक्ट विद। गोट गौतम गंभीर की तस्वीर लगा के गोट लिखा है और अपना एंजल का उन्होंने वो भी लिखा है। और गौतम गंभीर ने बोला बी हु यू आर नेवर चेंज, नवीन ओलक के लिए। तो मेरे को ये नहीं समझ में आ रही है यहाँ पर कि ये मामला जब खत्म हो गया, इस पे मिट्टी भी पड़ गई, उसके बाद ये ड्रामेबाजी करने की अब जरूरत क्या है? अटेंशन, डबल स्क्रीन में लगा दो, आप अटेंशन में रहोगे, लाइमलाइट में रहोगे, को पिक्चर दिखा दो, फोटो दिखा दो, कोई बात नहीं, छोटा कर दो इसको, मैं ये बोल रहा हूँ। और इसमें टू विंडो में आप लगा दो, टू विंडो में नवीन उल हक को, टू विंडो में लगा देना भाई नवीन उल हक को, जिंदगी में इससे ज्यादा अटेंशन मिलती जो ड्रामेबाजी करी है। और उस दिन हमने ये बोला था गौतम गंभीर फिर बैकिंग कर रहे हैं, इसने भी प्राइस स्लेज करा, बार बार वही बोल रहा हूँ भाई, फील्ड पे हो गया, खत्म हो गई बात। आप इस ये ड्रामे करके आप क्या प्रूव करना चाहते हो? ये इंस्टाग्राम के पोस्ट लगा के आपको कोई पूछ रहा है इंस्टाग्राम पे? वैसे आई थिंक एक ये दिखाना कि मेरे पीछे बैकिंग कितनी स्ट्रांग है, एक आदमी के कितने 250 मिलियन फॉलोअर हैं, चलो आप ठीक है, आप जो मर्जी हो, हम आपको कम नहीं आते, सब बराबर है फील्ड के ऊपर, बट ये बात जब खत्म हो गई है, इसमें मिट्टी डल चुकी है, आपको मैच भी फाइन हो गई है, विराट को फाइन हो गया, गौतम गंभीर को फाइन हो गया, ये कब तक खींचोगे और क्यों खींच रहे हो? क्लियर हो गई वो तो बात, आपको दो तीन दिन से दो तीन दिन से बात नहीं हो रही। नवीन ओलक चलो इसकी आदत है, पहले भी बोलता है, जब से 20 साल का तब से शायद अफरीदी से लड़ रहा है, सभी से लड़ रहा है, इसकी आदत ट्विटर पे आना, इंस्टाग्राम पे आना, जो भी कर रहे करे। गौतम गंभीर ने नीचे कमेंट किया, वो तो है ही ना, वो तो पता चल रहा है जो है वो रहे, वो ये नहीं कह रहे कि समझो बड़ो जिंदगी में, कमेंट भी अब ऐसा कर रहे हो जो कुछ हद तक यहाँ विवादित नजर आए। देखिए गौतम गंभीर से मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें इसीलिए इस एपिसोड से थी, कोई कह रहा है विराट ने जूता ये वो, छोड़ा हुआ सारी बातें, मिट्टी पाओ, पहली बात है आपने शुरू करा, आपने यू करा है ना, आज जो आपने चेन चला दी है कि विराट भी यू, सिराज भी यू, आप भी यू, नवीन ओलक तो यू है ही है, आपने ड्रामा शुरू किया, विराट ने खत्म किया, आपको हार बर्दाश्त नहीं हुई, आपने पंगे कर दिए, उसके बाद अब ये ड्रामेबाजियां, कितनी लाइमलाइट लोगे यार, कितनी लाइमलाइट लोगे विराट के नाम से। और आपको पता है सुशांत इससे टीम भी कितनी खराब लाइमलाइट में आती है, बिकॉज हर कोई इस चीज को पॉजिटिवली नहीं देखेगा, कभी नहीं देखेगा यार। एक नन्हे मुन्ने सवाल का जवाब दे, ये दोनों वैसे तस्वीर डालते हैं, विराट का एपिसोड ना होता कोई पूछता? बिल्कुल भी नहीं, इनफैक्ट आधे समय तो पता भी ना होता। मैं कह रहा हूँ ये पूरी फोटो एल्बम डाल दे, अपनी रील्स डाल दे, नवीन उल हक गौतम गंभीर का चलो बड़ा नाम है, नवीन उल हक अपनी रील्स डाल दे, गौतम गंभीर के साथ डाल दे, जिसके मर्जी साथ डाल दे, जस्ट अनदर फोटो ऑन सोशल मीडिया, जस्ट अनदर फोटो, बिकॉज विराट कोहली का यहाँ पे एंगल है और ये ड्रामेबाजी वाले कैप्शन दिए गए हैं, तो आप लाइमलाइट बटोर रहे हो। एंड नाउ दिस थिंग इज मेकिंग अ फायर ऑन सोशल मीडिया, हर इंसान ये कह रहा है कि गौतम गंभीर जो है वो यहाँ पर नवीन उलक का साथ दे रहे हैं। आप सबको छोड़ो, आप ये फोटो को दिमाग में रखो, ये कैप्शन और ये कमेंट, दोनों कमेंट्स आपको विराट कोहली की इंस्टाग्राम स्टोरी के शब्दों से, उसके भाव से कहीं ना कहीं रिलेट करते नजर आ रहे हैं। आपको उनके रिस्पेक्ट में फोटो डालने वैसे डाल दो, विद द ग्रेट मेंटर, विद द वन हु हैज कोच मी अलॉट, टोल्ड मी अलॉट, हेल्प मी अलॉट, आप वो चीज लिख दो। ये बात भी ऐसे लिख रहे हैं ताकि ये मुद्दा एक बार फिर से मार्केट में आए, फिर से इस बात को लेकर जंगल में आग लगे और लोग कहे नवीन उलक, नवीन उलक, नवीन उलक। This is wrong. Being on a sportsman spirit, गौतम गंभीर का यहाँ पर कमेंट करना भी मुझे सही नहीं लग रहा है। भाई बात क्रिकेट की फील्ड पे थी, जो हो गई गर्मो गर्मी में करके खत्म करो। आज फिल सॉल्टर मोहम्मद सिराज गले मिले ना, सौरभ गांगुली और दादा ने हाथ मिलाया ना, और मुझे इस बात से दिक्कत होती है, बिकॉज मेरी टीम पे इन चीजों से उंगलियां उठती है यार। आपका फोकस जीतने पे है, कल आपने नंबर वन टीम से खेलना है, कल आपने नंबर वन टीम गुजरात टाइटन से खेलना है, उससे एक दिन पहले आप ये ड्रामेबाजियां कर रहे हो। नवीन और गौतम गंभीर उस पे लिख रहे हैं, भाई आपने इस पे फोकस करना है या गेम पे फोकस करना है? पिछली बार भी आपने यू करा तो आपको मुंह की खानी पड़ गई थी ना, बुरे हाल फटे हाल हो गए थे ना, इस बार तो नहीं है। विराट कोहली किस पे निकालोगे गुस्सा? इस बार इस लीग की इस टाइम पे सीजन की सबसे तगड़ी टीम है गुजरात टाइटन्स, जिसने पिछली बार भी आपको धोबी पछाड़ दिया था, जो लो स्कोरिंग टोटल में आपसे बनानी था, फिर से बेइज्जती करवानी है क्या? करवा रहे हैं भाई साहब, ये क्या तमाशे कर रहे हो भाई? इस टाइम पे हमें आरसीबी के मैच की बात करनी थी, लेकिन ये ऐसी चीज है भाई,
मूड खराब करती है ना आपका, आप लड़ो बल्ले गेम। सुपर चैट ले लीजिए, सुपर चैट ले लीजिए, आप सारी सुपर चैट भी लीजिए एक एक करके। और वासुदा आ रहे हैं, सो डोंट गो एनीवेयर, वासुदा इज कमिंग। और सुपर चैट दिखाइए मुझे। आई एम रियली रियली सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड कि गौतम गंभीर इस हद तक जा रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत, पता नहीं गौतम गंभीर को क्या हो गया इस उम्र के अंदर, बोलूंगा मैं कि उन्होंने क्या अचीव नहीं किया है कि बार बार पोक कर रहे हैं विराट को, बार बार ये ड्रामा कर रहे हैं। आपको कौन सी बात, आपको कौन सी लाइमलाइट चाहिए भाई? उसको तो चाहिए ना अमीरुल हक, आपको क्या चाहिए? उसके पोस्ट करने से खबर नहीं बनती आज की डेट में, तो चलो उसके भी पोस्ट करने से खबर बन जाएगी विराट कोहली का नाम, बट आपने पोस्ट कर दिया उससे खबर बनती है भाई। उस दिन वो कर रहा था, कोई नहीं पूछता, आप आके लड़े हो विराट से, वो हुई है गुत्थम गुत्था, वहां पे हुई है ज्यादा वो स्टोरी। आप बड़े हो, आपको बड़प्पन दिखाना चाहिए। आरसीबी फॉरएवर, दिल्ली डिजर्व टू विन दिस।